Hello friends, welcome back to my channel. This video is about my home दावत ब्लॉग जो कि हर 1.5 month के बाद होती है फॉर लाइक 13 to 14 पीपल्स के लिए. और इसमें हम लोग जो हैं क्या मेन्यू करते हैं, किस तरह से डिसाइड करते हैं, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी. मैं क्या पार्टिसिपेट करती हूँ इस दावत पे और मेरी मदर इन लॉ क्या पार्टिसिपेट करती हैं, हम क्या डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले जो है वो हम लोग मैं और मेरी मदर इन लॉ जो हैं, मेरी सास जो है वो मेन्यू डिसाइड करते हैं कि हमने किस तरह का मेन्यू रखना है और कितने हम लोग जो हैं वो स्टाइल्स ऑफ कह लें कि कितनी डिशेस रखेंगे और किस तरह से सर्विंग होगी और उनका क्या रोल होगा और मैं क्या पार्टिसिपेट करूँगी. तो मोस्टली ऐसा होता है कि खाना पकाना मेरे पास होता है और मैनेजमेंट और ग्रॉसरी शॉपिंग जो होती है वो मेरी मदर इन लॉ मेरी सास करती हैं. मुझे दावत के लिए बहुत ज़्यादा जो है ऐसा लगता है कि मैं एक जैसा मेन्यू नहीं रख पाती हूँ. तो डिफरेंट हम लोग मेन्यू चूज़ करते हैं और फिर मेन्यू डिसाइड करने के बाद, म्यूचुअली मेन्यू डिसाइड करने के बाद ग्रॉसरी की तरफ देखते हैं कि क्या चीज़ें आना ज़रूरी हैं और किन किन चीज़ों की ज़रूरत है. और फिर ये हम 2 दिन पहले डिसाइड कर लेते हैं, जिस दिन दावत होगी उससे 2 डेज़ पहले हम ये सब कुछ डिसाइड कर लेंगे कि क्या मेन्यू डिसाइड करें. फिर जैसे ही मेन्यू डिसाइड हो जाता है कि ये चीज़ें बनी जाएंगी और ये ग्रॉसरी के लिए हमें चाहिए, तो हम दोनों जो हैं वो दोनों पेपर्स को काट के जो है वो फ्रिज पे थ्रू मैग्नेट्स लगा लेते हैं ताकि एज अ रिमाइंडर है. नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मेरी मदर इन लॉ जो है मुझे सारी ग्रॉसरी ला देती हैं ताकि जो मैंने 1 डे पहले जो है प्रिपरेशन करनी हो दावत की वो मैं कर लूँ ताकि ईजी टू हैंड रहे. क्योंकि मेरी 2 बेटियाँ हैं तो एक तो बड़ी है लेकिन दूसरी जो छोटी है वो तंग करती है. सो इट्स जस्ट लाइक 1 डे बिफोर दावत की प्रिपरेशंस में जो है वो ग्रॉसरी आ जाती है, मैं सॉर्ट आउट कर लेती हूँ कि क्या चीज़ जो है वो पहले बन जाएगी और फ्रिज में रख दी जाएगी और कौन सी चीज़ें जो हैं वो बाद में बनेंगी और मतलब कि जो दावत की दिन है उस दिन बनेंगी. तो मोस्टली जो है हम लोग जो मेन्यू डिसाइड करते हैं वो मुझे एज अ पर्सनली नहीं पसंद कि हर दफ़ा मेन्यू में बिरयानी हो, निहारी हो, कोई चिकन कढ़ाई हो या इस तरह से हो. मैं मोस्टली प्रिफर करती हूँ कि दावत का एक सेटल्ड मेन्यू हो, एक जो है वो थीम सेट होनी चाहिए. अगर चाइनीज़ है तो चाइनीज़ के ही सारे पार्ट्स होने चाहिए और अगर जो है मैं देसी बना रही हूँ तो देसी के ही मतलब के एपेटाइज़र हो, उसका मेन कोर्स भी देसी हो और उस मीठा भी जो है वो देसी वर्जन का हो. और अगर जो है मैं चाइनीज़ का सोच रही हूँ या इंग्लिश थाई कॉन्टिनेंटल के बारे में सोच रही हूँ तो उसकी हर चीज़ जो है एपेटाइज़र से लेकर डिज़र्ट तक जो है वो इंग्लिश स्टाइल में हो. और क्योंकि ये दावत हर डे 1-1.5 महीने के बाद होती है और वही सेम पर्सनस होते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि हर 1.5 महीने के बाद मैं बिरयानी निहारी या फिर जो है वो एक ही तरह के जो है दावत के जो हमारे ट्रेडिशनल पाकिस्तानी ट्रेडिशनल दावत के मेन्यूज़ चल रहे होते हैं वही मैं पुट ऑन कर लूँ. तो मैं क्या करती हूँ कि मैं जो मेन्यू है उसका थीम सेट कर लेती हूँ कि इस तरीके से होगा. जैसे पिछले दिनों मैंने अपनी बेटी की बर्थडे का दावत व्लॉग डाली थी तो वही सेम पर्सन थे. मैंने अरबिक कह लें अरबिक स्टाइल का खाना बनाया था जिसमें रोस्ट चिकन थी, हुम्मस वगैरह जैसे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ में खाया जाता है. और इस दफ़ा भी वही लोग थे क्योंकि 1-1.5 महीने बाद फिर से वही दावत रिपीट होती है हमारे घर में. तो इस दफ़ा मैंने जो है क्योंकि सर्दियां आ गई हैं और सर्दियों में तो चाइनीज़ खाने का तो बहुत दिल करता है तो इस तरह से हम लोग डिवाइड कर लेते हैं. तो यहीं पर जो है वो मैंने मेन्यू जो है वो चाइनीज़ का रखा है और एपेटाइज़र, सूप, मेन कोर्स और डिज़र्ट जो है वो इंग्लिश स्टाइल का मैंने रखे. तो ये 1 डे बिफोर जो है वो मैं चाइनीज़ की जो सब्ज़ियाँ मैंने मंगाई हैं वो मैं कट करके शॉपर्स में डाल के फॉर अ टाइम बीइंग फ्रिज में रख लूँगी और एपेटाइज़र जो है वो बना के मैं वो भी फ्रिज में रख लूँगी ताकि ईजी टू हैंड हो जाता है. ऐसा नहीं होता कि सारा दिन सारी चीज़ें आप एक ही दिन में बना लें जब
जब आपकी एक छोटी सी आपकी मतलब कि घर में बच्चे भी हों, वो भी लुक आफ्टर करना हो, स्कूल गोइंग किड भी हो और उसके मेन्यू को भी देखना हो और उसकी रूटीन को भी फॉलो अप करना हो, तो इट्स लाइक वेरी डिफ़िकल्ट कि आप हर चीज़ जो है वो उसी दिन दावत के दिन आप प्रिपेयर कर लें। तो बस यहीं पे जो है वो मैं सब कुछ जो है वो प्रिपेयर कर दूंगी। चाइनीज़ बनाने में जो है वो इतना टाइम नहीं लगता जितना उसकी सब्जियों को काटने में लग जाता है। तो बस यहीं पे मैंने यही सोचा था कि सारी सब्जियों को कर दूंगी तो नेक्स्ट डे इजी हो जाएगा आपके लिए। पहले जो मैंने सब्ज़ी काटी थी वो मैंने ब्रोकली की डाली थी, उसको मैंने स्लाइसिस कर दिया था, ना ज़्यादा मोटा रखा था और ना ही ज़्यादा मैंने पतला रखा था। दूसरी जो सब्ज़ी मैंने काटी वो बंद गोभी थी, उसको भी मैंने स्लाइसिस कर दिया था। हरा प्याज को मैंने चॉप कर दिया था, उसका जो प्याज वाला पार्ट था उसको नहीं आपने काटना है, सिर्फ आपने जो ग्रीन पार्ट है उसको आपने डालना है। फिर आप मैंने जो है ये गाजरें ली और इसको भी मैंने जो है वो लंबी तरीके से जो है वो स्लाइस कर दिया है। और मैंने 3 तरह से गाजरें मुझे चाहिए थी। एक मुझे इस ये जो लंबी साइज़ में मैं काट रही हूँ ये मुझे जो करी बनाऊँगी चाइनीज़ करी उसके लिए मुझे चाहिए थी। फिर मैंने राउंड राउंड मतलब के कह लें कि चॉप तरीके से काटी, वो मुझे जो है चाइनीज़ राइस के लिए चाहिए थी। और फिर मैंने थोड़ी सी गाजरों को कद्दूकश कर लिया था और वो मुझे जो है जो कद्दूकश करने वाला जो स्टाइल था वो मुझे जो है हॉट एंड सॉस जो सूप मैंने बनाना था उसके लिए जो है वो मैंने बनाया था। तो मेन्यू मैंने आपसे डिस्कस नहीं किया, तो मेन्यू कुछ इस तरह से है कि सूप में जो है वो हॉट एंड सॉर सूप बनेगा, एपेटाइज़र में हम लोग प्रॉन ऑन टोस्ट बना रहे हैं, मेन कोर्स में एग फ्राइड राइस है और जो ग्रेवी होगी एग फ्राइड राइस के साथ वो ऑस्टर चिकन है, ऑस्टर चिली चिकन। तो और डिज़र्ट में जो है वो चॉकलेट पुडिंग है। तो इस तरह से मेन्यू आप अगर सेट कर लें और एक ही थीम में मेन्यू बनाएं तो खाने में भी मज़ा आता है और डिफरेंट चीज़ों का इंजॉयमेंट रहती है। एंड मोस्टली सबसे अच्छा पार्ट ये है कि जो गेस्ट मेरे घर में आते हैं ना वो उन उन उनके सामने कुछ भी न्यू न्यू चीज़ रखो ना वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं और बहुत पसंद तरीके से खाते हैं। और मतलब कि उनको ये भी बहुत अच्छी बात होती है कि आपको न्यू फ्लेवर्स जो हैं वो आप फ़ौरन अडेप्ट कर लेते हैं और वो आपको अच्छे लगते हैं, वरना मोस्टली लोग जो हैं अपने वो टिपिकल उसमें रहते हैं वो फिर मैं चेंजमेंट को बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो इसमें मेरा बहुत ज़्यादा मेरे जो गेस्ट हैं उनका हाथ भी है कि उनकी वजह से मुझे अप्रिसिएशन मिलता है कि वो मेरी न्यू चीज़ों को पसंद भी करते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं। और फिर मैं उन्हीं के लिए जो है वो डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज़ ढूंढती हूँ और उनको खिलाती हूँ। तो यहाँ पे हम फर्स्ट एपेटाइज़र की तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने प्रॉन ऑन टोस्ट बनाना है। तो मैंने एक दिन पहले जो है वो सोचा है कि प्रॉन ऑन टोस्ट बना के फ्रिज में रख दूँगी ताकि इजी टू हैंडी रहता है, ताकि प्रॉन्स का जो स्मेल है ना वो हर डिश में और मेरे हाथों में ना रह जाए, इसलिए मैंने 1 डे बिफोर ये इसको डिसाइड किया। तो मैंने अराउंड जो है वो कह लें आप 750 ग्राम जो है वो मैंने प्रॉन्स लिए हैं। आप किसी भी साइज़ के प्रॉन्स लें, डजेंट मैटर क्योंकि वो चॉप्ड ही हो जाने हैं। तो इसमें एक लार्ज मैंने जो है वो एग का डाला है, 1/2 टीस्पून मैंने इसमें सॉल्ट का डाला है, 1/2 टीस्पून ही मैं इसमें ब्लैक पेपर पाउडर डालूंगी, 2 टीस्पून मैंने इसमें सोया सॉस के ऐड किए हैं। और ये बिल्कुल जो है वो लाइट वाली सोया सॉस थी, तो अराउंड मैंने इसमें जो है वो 2 टीस्पून भर कर जो है वो सोया सॉस के डालेंगे। आप कह लें कि 1 टेबल स्पून सोया सॉस का इसमें मैंने ऐड किया है, एक भर के मैंने चम्मच क्योंकि प्रॉन्स हैं तो 1 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो शामिल किया है और 2 टेबल स्पून जो है वो मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर के ऐड किए हैं। अच्छा, ये मेरे पास जो है वो हैंड चॉपर है, आप चाहें तो इलेक्ट्रिक चॉपर में भी पीस सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं इलेक्ट्रिक चॉपर मेरे पास होने के बावजूद मैंने नहीं पीसा क्योंकि मुझे वो प्रॉन्स ऑन टोस्ट में बिल्कुल पेस्ट की तरह नहीं पसंद। मुझे पसंद है कि प्रॉन्स के थोड़े बहुत चंक्स जो हैं वो
आते नहीं, ऐसा नहीं कि मैं बहुत मोटे मोटे चंक्स करूँगी, बस इतना करूँगी कि वो हल्के से आपको नज़र आए। तो इलेक्ट्रिक चॉपर में होता है मसला ये है कि ये जैसे देखेंगे मेरे हाथ में हल्का सा आ रहा है प्रॉन्स ना, बहुत हल्का सा, तो मुझे इस तरह से पसंद है। और इलेक्ट्रिक चॉपर में होता ये है कि आपके बिल्कुल ही एक पेस्ट टाइप की बन जाती है, जो कि मुझे एज अ पर्सनली मुझे ना वो अट्रैक्ट नहीं करती है। मैं वैसे मैं खाती नहीं हूँ मुझे, क्योंकि मैं इस प्रॉन्स को फ्लेवर्स को पसंद नहीं करती, लेकिन हाँ मैं बनाती बहुत हूँ। और मैं ये वाहिद है कि मैं ऐसी ही शेफ़, मुझे मैं अपने आप को समझती हूँ कि प्रॉन्स नहीं खाती लेकिन फिर भी बनाती हूँ, बीफ नहीं खाती हूँ फिर भी बनाती हूँ, और सबको पसंद आते हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये भी नहीं कि मैं टेस्ट भी कर लूँ, मेरा टेस्ट मतलब कि जो नमक मिर्च डालती हूँ वो भी जो है एक्यूरेट हो जाता है, ये भी आपके हाथों में होता है और अल्लाह की तरफ से आपको हाथों में मिला हुआ होता है। तो यहाँ पे मैंने दोनों बैचेस को जो है हाफ ऑफ कर दिया था, मैंने एक साथ नहीं किया, मैंने दोनों बैचेस को जो है वो पेस्ट जो है वो बना लिया हुआ, और मैंने सिंपल जो है वो लार्ज साइज़ के जो है वो ब्रेड स्लाइसेस लिए थे, और मैंने जो है वो ब्रेड्स के जो कोने होते हैं उनको मैं नहीं गाड़ती, क्योंकि मुझे वो ऐसा वेस्टेज लगता है, आप ऐसे भी खा लेते हैं आपको पता ही नहीं चलता। तो बस एक तरफ मैंने जो है वो सेसमी सीड का जो है वो प्लेट में निकाला है, और अब मैं एक एक करके जो है प्रॉन ऑन टोस्ट ब्रेड के ऊपर अपना ये प्रॉन्स का जो बैटर है वो लगाऊंगी, स्प्रेड करूंगी, ऐसे ही जैसे जैसे हम चिकन सैंडविचेस का जो है वो स्प्रेड करते हैं। सारा सेट करने के बाद जो है मैं इसमें जो है वो सेसमी सीड्स जो है वो स्प्रेड कर दूंगी ऊपर टोस्ट के साथ, और ये आप हल्का सा दबा दें, प्रेस कर दें, तो सेसमी सीड जो है वो प्रॉन्स ऑन टोस्ट के साथ जो है वो प्रॉन्स के साथ चिपक जाते हैं। और फिर मैं दोनों को फोल्ड करके मतलब कि एक के ऊपर एक रख कर जो है वो फ़िलहाल जो है वो ऊपर जो है कवर करके जो है फ्रिज में ओवरनाइट के लिए छोड़ दूंगी, और बस यहाँ पे मेरी आखिरी जो है वो रात के टाइम की प्रिपरेशन थी, और जो अब होगा वो नेक्स्ट अर्ली मॉर्निंग मैं करूँगी। तो ये डे ऑफ दावत है कि अर्ली मॉर्निंग में क्या प्रिपरेशंस कर रही हूँ, तो मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया है मीठा बनाने से, क्योंकि मीठा बनने में जो है वो इतना टाइम नहीं लगेगा जितना उसको ठंडा करने में टाइम लगता है। तो मैंने अराउंड जो है मीठे में जो हमारा मैंने डिसाइड किया था वो चॉकलेट पुडिंग थी, तो मैंने अराउंड 2 लीटर जो है वो
डे फ्रेश का या किसी भी ब्रांड का जो है वो आप दूध ले लें। और फिर उसके बाद मैंने छन्नी में जो है वो कोको पाउडर लिया है, अराउंड मैंने 6 टेबल स्पून कोको पाउडर लिए हैं। किसी भी ब्रांड के जो हैं आप वो कोको पाउडर ले लें, लेकिन कोई भी ब्रांड चूज़ करने से पहले जो है वो इस बात का ध्यान रख लें कि वो क्वालिटी वाइज ऑफ कोको पाउडर जो है वो बहुत अच्छा हो। तो मैंने अराउंड यहाँ पे भर के जो है वो 6 टेबल स्पून जो हैं वो मैंने चॉकलेट कोका पाउडर के ऐड कर ली है। और अराउंड जो है वो अगर मैंने 6 टेबल स्पून जो है वो कोको पाउडर के लिए हैं तो उसमें से सिर्फ 1 टेबल स्पून मैं जो कम कर दूंगी, और अराउंड मैंने 5 टेबल स्पून जो है वो कॉर्नफ्लावर का इसमें ऐड किया है। अच्छा, छानना ज़रूरी है क्योंकि जो भी लम्स वगैरह होते हैं वो निकल जाते हैं और आपके फिर एक स्मूथ सी चॉकलेट पुडिंग बनती है। तो बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं जाएगा, दूध है, कोको पाउडर है, कॉर्नफ्लावर है, मैंने फिर 1/2 कप जो है वो शुगर के ऐड किया है। आपके अपने टेस्ट के हिसाब से शुगर ऐड कर लें। मैंने 1/2 कप जो है वो शुगर का ऐड किया है। 1 टेबल स्पून मैंने भर के इसमें वनीला एसेंस का डाला है। और फिर अच्छी तरीके से मैं इसको विस्क के थ्रू जो है वो मिक्स कर लूँगी, इतनी इतनी अच्छी तरीके से करूँगी कि कोई भी लम्स जो है वो ना रहे, क्योंकि फ्लेम में रखने से पहले इसको स्मूथली जो है वो डिसॉल्व हो जाना चाहिए सारे पाउडर को मिल्क में, और फिर आप इसको फ्लेम पे जो है वो पकने के लिए रखें। और साथ साथ में आप इसको चम्मच चलाते रहें ताकि ऐसा ना हो कि पाउडर नीचे बैठ जाए और वो जल जाए। तो साथ साथ में आप इस पे जो है वो विस्क करते रहें, और तब तक आप विस्क करते रहें जब तक जो है इसमें एक कहने की एक चॉकलेट पुडिंग की तरह या एक चॉकलेट कस्टर्ड की तरह जो है ना, इसको आप कस्टर्ड भी कह सकते हैं कि ये एक चॉकलेट कस्टर्ड भी है लेकिन इसको चॉकलेट पुडिंग भी कह सकते हैं आप, लेकिन दोनों आप एक ही तरह एक कैसे होता है आप दोनों नाम ले सकते हैं। तो आपने तब तक इसको विस्क करते रहना है, तब तक इसको पकाते रहना है जब तक एक कस्टर्ड की तरह ये थिक ना हो जाए, क्योंकि हमने इसके अंदर कॉर्नफ्लावर डाला है तो थिक होगा फॉर टाइम के बाद। तो यहाँ पे मेरा जो है वो चॉकलेट पुडिंग जो है वो थिक हो गई हुई है, और मैं अब इसको इसका फ्लेम को बंद कर दूँगी और इसको इसी पैन के ऊपर जो है ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। लेकिन जब तक ये ठंडा होने के प्रोसेस में होगा मैं तब भी चम्मच चला के जो है वो उसको हिलाती रहूँगी, क्योंकि ऊपर जो मलाई बन जाती है ना और फिर उसको आप हिलाएं तो वो एक लम्स बन जाते हैं एकदम ही। तो मैं ऐसा करती हूँ कि फ्लेम बंद होने के बाद भी जो है वो उस पर चम्मच चलाती रहती हूँ ताकि जो है वो एक ऊपर जो मलाई की तरह तय हो जाती है ना कस्टर्ड के ऊपर, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती है, फिर वो एक स्मूथ सा पेस्ट नहीं बनता है। तो यहाँ पे बस चॉकलेट पुडिंग इतनी ठंडी हो गई थी कि मैं उनको उसको ग्लासेस में जो है वो डालना शुरू कर दूँ। तो जितने हमारे घर में गेस्ट आने थे मैंने कैलकुलेट कर लिया था, उतने ही मेरे पास अल्लाह का शुक्र है ग्लासेस थे, और ये डीप ग्लासेस थे, मतलब कि एक इंडिविजुअल सर्विंग के लिए इनफ थे। तो मैं इसमें जो है वो चॉकलेट पुडिंग का डाल दूँगी, और उसके कोनों में जो साइड में थोड़ी बहुत लग गई है या गिर जाते हैं ड्रॉप्स, उनको जो है वो टिश्यू पेपर के थ्रू जो है आप वो साफ कर लें।
सब ग्लासेस में डालने के बाद जो है वो मैंने कैंडी बिस्किट्स के बार्स लिए हैं और एक एक करके जो है वो मैं चॉकलेट पुडिंग के टॉप के ऊपर रख दूँगी और फिर थोड़ी सी फ्रेश क्रीम के साथ जो है वो डेकोरेट कर दूँगी ताकि चॉकलेट पुडिंग जो इन्हेंस करें और एक इंडिविजुअली ग्लास जो है वो फ्रिज के अंदर जो सेक्शन है ट्रे का उसके ऊपर अंदर सेट कर दूँगी ताकि फॉर टाइमिंग वो ठंडा हो जाए और जब खाने को मिले तो ठंडा ठंडा मिले। और ऐसा नहीं है कि आपके घर में दावत हो तो आप जो हैं दोपहर का खाना ना बनाएं। दावत तो रात में होती है लेकिन आपको दोपहर का खाना भी बनाना होता है क्योंकि जो घर में बैठे हुए लोग होते हैं उन्होंने तो खाना खाना है दोपहर में। तो बस यहाँ पे मैंने जो है आज का दोपहर में सिंपल सा मेन्यू रखा था और मैंने जो है वो भिंडी बनाई थी अपने क्योंकि मेरी बेटी को बहुत पसंद है और फिर जो है वो स्कूल से आके कभी कभार वो डिमांड करती है कि लेडी फिंगर खानी है मैंने। तो बस यहाँ पे हम भी खाते हैं और उसको भी खिलाते हैं। तो यहाँ पे मैंने दोपहर के मेन्यू में साथ साथ दावत की प्रिपरेशन के साथ साथ जो है वो मैंने भिंडी भी बनाई है। तो व्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा था और इसका सेकंड पार्ट भी मैं जल्द ही अपलोड करूँगी जिसमें मेन कोर्स से रिलेटेड और किस तरह से दावत पे जो है मैंने फूड सर्व किया उसकी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल आप इस वीडियो को देखें, इंजॉय करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे दुआओं में बहुत याद रखें। मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफ़िज़।